आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होते हुए दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के महंत राम नारायण पुरी ने मंदिर के मुख्य द्वार पर तिरंगा झंडा लहराया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा अभियान में शामिल होते हुए धार्मिक स्थलों पर भी तिरंगे लगाए जा रहे हैं। इस क्रम में रविवार को दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में महंत राम नारायण पुरी के द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार पर झंडा लहराया। वहीं रविवार को कालिका माता मंदिर में हमेशा की तरह भक्तों का रेला लगा। इस मौके पर दुर्ग चौकी प्रभारी पूर्ण सीमा जापता मंदिर परिसर में तैनात रहे। इसके अलावा दुर्ग पर बरसात के मौसम में आने वाले सैकड़ों पर्यटक भी मंदिरों और अन्य स्मारकों का भ्रमण करने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चित्तौड़गढ़ न्यूज। भारत के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और वह तिरंगा ध्वज फहराया जा रहा है। उसी के शुभ कार्य में हम भी मंदिर पर जो है तिरंगा फहरा रहे हैं। और आज़ादी के लिए आम जनता से हमारा यही संदेश है, सब लोग देश में देश हित में मिल करके सब लोग शांति से रहें और भारत के विकास में अपना योगदान देते रहें, जिससे देश का कामकाज अच्छा चलता रहे और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आवे, सब लोग सरकार का सहयोग दे। आगे बढ़िए, आपका दर्शन मिल गया।